है गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन अदर फोर एम टॉक सो इट्स नॉट थ्री एम टुडे इट्स अ फोर एम टॉक और आज के टॉक में हम बात करेंगे व्हाई आई एम टेकिंग आइस बाथ्स या बहुत से लोग को जानने थे आइस बाथ्स के बेनिफिट क्या चीज़ें होती हैं आइस बात से कितनी देर के लाइस बात करना चाहिए क्यों आइस बात इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें पर मैं तुमको ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं क्यों आइस बात करता हूँ और आइस बात के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तुम यूट्यूब करना तुम्हें मिल जाएंगे कितने सारे बेनिफिट्स हैं बट जिस रीज़न के लिए मैं कर रहा हूँ वो रीज़न बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है सो जस्ट आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रोंग तो हर एक बंदा अलग अलग एग्जाम्पल देगा कोई बोलेगा जो ज़्यादा डेडलिफ्ट मार सकता है वो स्ट्रोंग है कोई बोलेगा जो ज़्यादा स्क्वाट्स कर सकता है वो स्ट्रांग है कोई बोलेगा जो ज़्यादा लंबा दौड़ सकता है वो स्ट्रॉन्ग है कोई बोलेगा जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब बहुत ज़्यादा डेफिनेशनस है स्ट्रॉन्ग को डिफाइन करने के लिए सेम उसी सब चीज़ों में से मेरे पे भी एक डेफिनेशन है स्ट्रोंग का मतलब स्ट्रोंग वो है जो दूसरे को रिलीफ दे सकता है स्ट्रांग वो है जो दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकता है तुमने स्पाइडर मैन की मूवी देखी है तो उसमें स्ट्रोंग स्पाइडर मैन है जो सबकी हेल्प कर रहा है ना कि जो वो होता है यार दूसरा जो सबको परेशान कर रहा होता है वो दिखने का स्ट्रॉन्ग होता है बट वो रियलिटी में स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो पैसा तुम दूसरों के लिए भी यूज़ कर सकते हो और दूसरे को परेशान करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो बट स्ट्रेंथ इज़ जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हो और उस स्ट्रेंथ से तुम दूसरों की हेल्प कर रहे हो आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड सुपर 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 पावरफुल इट्स लाइक कि थैनोस ने हमला करा तो नॉर्मल पीपल के आगे पे थैनोस ने अटैक करा तो नॉर्मल लोगों के आगे पे कौन जाता है थॉर जाता है कैप्टन अमेरिका जाता है समझ लो जब हमो हमो, जब हम लोग को दर्द होता है जब हम लोग को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचे हम हनुमान जी के आगे जाते हैं हम हाथ जोड़ते हैं उनकी शरण में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हर लो बचा लो हमको तो स्ट्रॉन्ग कौन है हनुमान जी दिस इज़ द स्ट्रेंथ वट आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे लिए स्ट्रेंथ का मतलब ये है और ये स्ट्रेंथ मुझे किस चीज़ को चाहिए सिंपल सी बात है मैं तुम लोग को नहीं जानता हूँ मैं दुनिया में जितने भी हज़ारों करोड़ लोग हैं उनको नहीं जानता बट मेरे पास मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ जिनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ और उनको फील कराना कि वो सेफ हैं उनको फील कराना कि मैं यहाँ पे हूँ ये मेरे लिए स्ट्रेंथ की मीनिंग है जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है आई जस्ट रियलाइज़ कि हर टाइम पे तुम्हें स्ट्रेंथ की मीनिंग अलग समझ में आती है ठीक है एक टाइम पे अलग था एक टाइम अलग, एक टाइम पे फ्लैक्स अलग था एक टाइम पे फ्लैक्स था मसल एक टाइम पे फ्लैक्स था मसल एक टाइम पे फ्लैक्स था मसल एक टाइम पे फ्लैक्स था पैसा एक टाइम था फ्लैक्स थी बाइक एक टाइम था फ्लैक्स अच्छे कपड़े एक टाइम था फ्लैक्स आईफोन एप्पल फ्लैक्स फ्लैक्स फ़्लैक्स फ्लैक्स फ्लैक्स बट वो सब कर दिया कुछ नहीं मिलता उससे बट द रियल फ्लैक्स इज़ तुम जिसको प्यार करते हो तुम जिसको अच्छा मानते हो उनकी प्रोटेक्ट करना आई डोंट नो ये साइस जेनेटिक्स में होता है उन के कि उन लोग को अच्छा लगता है अपनी मम्मी पापा इन सब लोग को प्रोटेक्ट करना या फिर उनको उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना मेरी तो है सो राइट नाउ जो मैं स्ट्रेंथ चेस कर रहा हूँ वही ही है और आईस बात तो बस एक शुरुआत है मैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली का बर्डन अपने कंधों पे लेना चाहता हूँ और सेम जस्ट लाइक मसल बिल्डिंग तुम पहले दिन में पचास का डम्बल हिट नहीं करते हो यू स्टार्ट विथ दस के का डम्बल एंड देन यू विल गो फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी सो आई नो इतना ईजी नहीं होता है आई नो इतने जल्दी नहीं कर पाऊँगा मैं सब चीज़ें जो भी मैंने करनी है बट मैं शुरुआत कर सकता हूँ और अगर मैं उस शुरुआत पर लगे रहूँगा मैं कर लूँगा सो द रीज़न वाई आई टेक आइस इस बाथ इज़ जस्ट टू इंड्योर पेन मैं बस वो पेन इंड्योर करना चाहता हूँ जब मैं पानी के अंदर जाता हूँ ना तो दो मूड होते हैं ठीक है और दो मूड नहीं होता शायद एक ही मूड होता है वो होता है नहीं तो दो मूड होते हैं दो मूड होते हैं तो जो पहला मूड होता है वो तुमको बता रहा होता है कि दिस विल मेक यू स्ट्रांगर यू हैव टू इंडिया और दिस पेन तुम्हें कंट्रोल करना सीखना है अपनी लाइफ में तुम्हें कामनेस सीखनी है यू हैव टू गेट बेटर दिस इज़ द वन वॉइस एंड द अदर वॉइस इज़ जल्दी बाहर निकल जल्दी बाहर निकल जल्दी बाहर निकल जल्दी बाहर निकल, निकल, निकल ब्रो बहुत ठंड है बहुत ठंड है बहुत ठंड है बहुत ठंडा है बहुत ठंड है बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल तो उन दोनों वॉइस के बीच में कॉन्स्टेंटली फ़ाइट हो रही होती है आई हैव टू चूज़ कि मैंने जो सेकेंड वॉइस है उसको नहीं सुनना है और मैं ट्रेन और मैं इस बात सिर्फ इस चीज़ के लिए करता हूँ जस्ट टू रियलाइज़ माई सेल्फ कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पेन है और तो उस पेन में तुमने ऐसे स्टैंड करना है बिल्कुल ही कामली बिल्कुल ही स्ट्रॉगली देट कुछ नहीं तुमने देखा है आग में चलते हैं लोग तो वैसे ही कुछ दुनिया भी ऐसी टाइप की होती है मतलब कि इतनी नहीं बट ऐसा कि लोग तुमको उंगली करेंगे लोग तुमको गाली करेंगे लोग तुमको पोक करेंगे लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेंगे बट अगर तुम उसके अगेंस्ट में अगेंस्ट का रिप्लाई दोगे ना मतलब कि तुम भी मुक्के मारने चले जाओगे तुम भी हाथ पैर तोड़ दोगे नहीं वो ग्रेटनेस नहीं होती है वो बड़प्पन नहीं होता और वो स्ट्रेंथ शो नहीं करता स्ट्रेंथ इज़ वन यू नो कि वो कर क्यों रहा है क्योंकि वो इनसिक्योर है तुम से तुम्हारी ग्रोथ से तुम्हारे ये जो एक काम बिहेवियर है जो तुम स्ट्रेंथ शो करते हो शांत रह के आग में चलते हुए क्योंकि जब वो बंदा उस दुनिया में चल रहा है उसकी फट जा रही है लोग उसकी फाड़ दे रहे हैं तो वो अपने से वीक लोग की फाड़ रहा है ठीक है बट तुम ऐसे बंदे हो जो उस सेम दुनिया में चल रहे हैं और वो इतना काम है कि वो परेशान है वाई ही सो काम तो आई बात इज़ समथिंग लाइक दैट ये मेरी जिंदगी का एक इनिशियल स्टेज है जब से मैंने डिसाइड कर दिया है कि अब मैंने ट्वेंटी 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 फोर में अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ कष्ट देना है और उतना कष्ट देना है कि मुझे लगे कि क्या मैं इनफ कष्ट दे रहा हूँ देखो मुझे खुद अभी एग्जैक्टली exactly नहीं पता है हर एक चीज़ मैं तुमको गाइड नहीं कर सकता हूँ कि वट इज़ द करेक्ट वे ये सब चीज़ें करने का या फिर बता हेल्थ बेनिफिट्स मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स फील हुए हैं इस बात के उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं एक महीने तक का करने के बाद समझूंगा कि ओके ये चेंजेस मेरी लाइफ में आए बट राइट नाउ द मेन गोल इज़ टू इंडोर दिस पेन ठीक है तुम जिम में जाते हो ना कोई बंदा सेम वेट से पाँच रेप्स मारता है और कोई बंदा फट जाती है दर्द हो रहा होता है उस वेट से दस खींच लेता है दैट्स अ डिफ़रेंस उसने इंड्योर करना सीख लिया पेन को ठीक है तो मैंने ये वाला पेन सीख लिया इंड्योर करना जिम में दस पे फट गई तो अठारह खींच लो ये मेरे लिए नॉर्मल है बट अब मैंने अपना लेवल अप करना चाहता हूँ अपने आप को ठीक है अब मैं और ज़्यादा पेन में जाना चाहता हूँ और उसको कामली हैंडल करना चाहता हूँ ताकि जब अगली बार मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या फिर कुछ भी चीज़ हो मैं बहुत शांत हूँ मैं बहुत शांत हूँ और मैं अपने जिन भी लोग को मैं प्यार करता हूँ मैं उनको ऐसे बता सूँ कि ब्रो चल आई एम हेयर ठीक है मैं कर लूँगा आई कैन हैंडल दिस दैट्स इट दैट्स द मेन गोल राइट नाउ एंड दैट्स दैट्स इट इट गाइस काम करो कमेंट करो पीस <laughs> एंजॉय